नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो मेरा नाम कुसुम है और मैं आपको आज हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पार्ट 10 मोर और सांप कहानी को शुरू कर लिया था, तो आज की कक्षा में हम उसी पार्ट के अभ्यास को करेंगे। तो अभ्यास को करने से पहले हम सबसे पहले पिछली कक्षाओं का दोहरान करेंगे, ठीक है? तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षाओं में हमने मोर और सांप कहानी को पढ़ा था, है ना? उसका पठन किया था। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको मुझे उनके उत्तर देने हैं। तो एक बड़े से पेड़ पर क्या था? बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे, बिल्कुल सही। उसी पेड़ के कोटन में कौन रहता था? तोता रहता था, बिल्कुल सही। और तोते का रंग कैसा था? हरा हरा। और चोंच कैसी थी? लाल लाल, बिल्कुल सही। और आपको पता है ना तोता कैसी मिर्ची खाता है? हरी और लाल मिर्ची, वेरी गुड। अब मुझे आप बताइए कि उसी पेड़ पर और किसका जोड़ा रहता था? मोर और मोरनी का। मैंने आपको बताया था ना मोर और मोरनी में क्या अंतर है। मोर के बहुत सुंदर पंख होते हैं लेकिन मोरनी के पंख नहीं होते जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? काले काले बादल आए। एक दिन बहुत ही काले काले बादल आए और बादलों को देखकर मोर क्या करने लगा? नाचने लगा और मोरनी फुदकने लगी जी। फिर उसके बाद उनको अचानक से एक तोते की टैं टैं की आवाज सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ? जब उसकी टैं टैं की आवाज सुनाई दी तो मोर और मोरनी ने कहां देखा? ऊपर देखा। और सभी पक्षी कहां छुप गए थे? पत्तों के पीछे छुप गए थे। तब मोर ने अचानक से क्या देखा कि एक सांप जा रहा था किसकी ओर? तोते के कोटर की ओर। उसने क्या किया, मोर ने क्या किया, एक ही उड़ान में तोते के कोटर के पास जा पहुंचा और सांप को अपनी चोंच में पकड़ा और जमीन पर दे मारा। और उसके बाद जो सांप था वो कहां घुस गया? अपने बिल के अंदर। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती थी कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना? यही सीखा हमने इस कहानी से कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे, ठीक है? तो अभ्यास करने से पहले आप निकालिए अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 52, पृष्ठ संख्या 52 यानी 52, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पठन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न, ये प्रश्न मैं आपसे पहले ही पूछ चुकी हूं लेकिन एक बार हम इसका दोहरान करेंगे। चित्र देखकर बताइए मोर ने ऊपर क्या देखा होगा। आपको क्या करना है, चित्र देखकर ये बताना है कि मोर ने ऊपर क्या देखा। आप सभी को पता है ना कि मोर ने ऊपर क्या देखा, कि एक जो सांप था वो तोते की कोटर की ओर बढ़ रहा था। हमने इस चित्र में देखा कि जब मोर ने ऊपर देखा तो उसने ये देखा कि जो एक सांप था वो तोते के कोटर की ओर बढ़ रहा था, ठीक है? नाउ मोर कैसे तोते की मदद करेगा। इसमें ये पूछा गया था आपसे कि मोर कैसे तोते की मदद करेगा। कैसे करी उसने मदद? उसने क्या किया, उड़कर गया और सांप को जमीन पर दे मारा, ठीक है? चलिए अब हम आगे करेंगे शब्द सागर। शब्द सागर मतलब कठिन शब्द करेंगे अब हम, जैसे कि मैंने पहले से ही अपने बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो शब्द सागर, घोंसले। घोंसले, घोंसले क्या होते हैं? घर होते हैं। किसके घर होते हैं? पक्षियों के घर होते हैं। घोंसले किसके घर होते हैं? पक्षियों के घर। और घोंसले कहाँ बने होते हैं?
पेड़ पर, जी हाँ पेड़ पर, घोंसले पक्षियों के घर। घोंसले क्या होते हैं? पक्षियों के घर। जैसे आपका घर होता है ना, वैसे पक्षियों का भी घर होता है, जिसको हम बोलते हैं घोंसले। क्या बोलते हैं? घोंसले। दूसरा कोटर। कोटर क्या होता है? कोटर पेड़ के तने में बना घर। पेड़ के तने में बना घर। पेड़ के तने में बना हुआ घर क्या होता है? कोटर होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो कि ये क्या है? पेड़ का तना है। जो भूरे रंग का मोटा होता है ना, वो होता है पेड़ का तना। और उसी पेड़ के तने में एक छेद होता है बहुत बड़ा, उसको हम बोलते हैं पेड़ का कोटर। ठीक है। और उस कोटर में भी पक्षी रहते हैं, जैसे कि तोता कहाँ रहता था? इस कोटर के अंदर। ठीक है। चलिए एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। घोंसले पक्षियों के घर। पक्षियों के घर क्या होते हैं? घोंसले। कोटर पेड़ के तने में बना घर। पेड़ के तने में बना घर क्या होता है? कोटर होता है। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? शब्द सागर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी। वर्तनी 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 मतलब कठिन शब्द। ये थे शब्दार्थ और ये थे कठिन शब्द। ठीक है। ये भी कठिन शब्द हैं, पर इनको हम लिया है शब्दार्थ के अंदर। और ये अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। कोटर कोटर कोटर। चोंच चोंच। गड़गड़। फुदकना। सांप सांप सांप। जमीन जमीन जमीन। देखो यहाँ पे ज के नीचे बिंदु लगा है ना, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। और नुक्ता लगाने पर ज जो है वो ज में तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो जमीन जमीन। ठीक है। तो आपको ये सारे वर्तनी के शब्द आ गए हूं। अब आज आ जाइए ओह ऐसा क्या। ओह ऐसा क्या। मोर अपने सुंदर और भारी पंखों के साथ भी उड़ सकते हैं। मोर जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, मोर के बहुत ही सुंदर और सुंदर पंख होते हैं। तो वो जो सुंदर पंख होते हैं वो उसके बहुत भारी भी होते हैं। ठीक है। लेकिन इतने भारी पंख होने के बावजूद भी मोर उड़ सकता है, मतलब मोर जो है वो एक उड़ने वाला जानवर है। ठीक है, सॉरी पक्षी है। ठीक है। तो मोर जो है वो उड़ भी सकता है इतने भारी और सुंदर पंख होने के बावजूद। ठीक है। नाउ अब हम करेंगे पृष्ठ संख्या 53। आओ करें एक। ठीक है। आओ करें एक करेंगे अब हम। चलिए आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है। कहानी पढ़कर वाक्यों के आगे गिनती लिखकर कहानी का क्रम बताएं। कहानी पढ़कर वाक्यों के आगे गिनती लिखकर कहानी का क्रम बताएं। आपको क्रम बताना है कि कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था। ठीक है। तो देखो पहले हम सारे वाक्य पढ़ेंगे। बहुत जोर से बारिश होने लगी। तोता टैं टैं करके चिल्लाने लगा। एक पेड़ के कोटन में तोता तोती रहते थे। मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे। सांप जान बचाकर भाग गया। मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। तो बेटा देखो, एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे, ये वाली घटना सबसे पहले हुई थी, है ना? ये वाली घटना सबसे पहले हुई थी ना। तो ये वाक्य कौन से नंबर पे लिखा है? ग नंबर पे। तो देखो मैंने ये वाक्य कौन से नंबर पे लिखा है? ग नंबर पे। तो इस पे आप लिखो संख्या एक। इस तरीके से आप लिखोगे संख्या एक। ग वाक्य के आगे लिखो संख्या एक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? बहुत
जोर जोर से क्या होने लगी थी, बारिश, बहुत जोर से बारिश होने लगी। तो ये वाक्य कौन सी संख्या पे लिखा है, संख्या एक पे है ना, एक नंबर पे लिखा, क पे लिखा है ना, तो हम नंबर दो लिखेंगे क पर। क वाक्य के आगे हम लिख देंगे नंबर दो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ था, तोता टैं टैं करके चिल्लाने लगा, सॉरी मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे। उसके बाद क्या हुआ था, जब बारिश हुई तो मोर मोरनी झूम झूम कर नाच रहे थे ना, तो ये लिखा है आपके वाक्य घ में, तो घ वाला वाक्य तीसरे नंबर पर घटित हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, तोता टैं टैं करके चिल्लाने लगा, तोता जो था वो टैं टैं करके क्या करने लग गया था, चिल्लाने, तो मतलब ख नंबर की घटना घटित हुई थी चौथे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, सांप जान बचाकर भाग गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब वो चिल्लाने लगा था तो मोर उड़कर भाग गया था पेड़ के ऊपर, और उसने क्या किया था, अपनी चोंच से सांप को पकड़ा था, और उसने क्या किया था, मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। उसने क्या किया, मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर पटका था, तो ये घटना पांचवें नंबर पर हुई थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, सांप जान बचाकर भाग गया था, तो ये घटना हुई थी छठे नंबर पर। ऐसे तो आपको हर वाक्य के आगे ऐसे संख्याएं लिखनी है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, पहले नंबर पर कौन सी घटना हुई थी, ग नंबर की, तो ग नंबर का वाक्य हम पढ़ेंगे, एक पेड़ के कोटर में तोता तोती रहते थे, ठीक है, सबसे पहले यही हुआ था। उसके बाद कौन सा वाक्य है, क नंबर पे दूसरा वाक्य, बहुत जोर से बारिश होने लगी, बहुत जोर से बारिश होने लगी थी ना, उसके बाद क्या हुआ था, तीसरे नंबर की घटना यानी कि घ वाक्य, मोर मोरनी झूम झूम कर नाचने लगे, यही हुआ था। उसके बाद चौथे नंबर पर ख वाक्य, तोता टै टै करके चिल्लाने लगा, तोता टै टै करके चिल्लाने लगा था ना। उसके बाद पांचवे नंबर पर क्या हुआ, मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा और जमीन पर देर पर पटक दिया, मोर ने सांप को चोंच से पकड़ा था और जमीन पर पटक दिया था। उसके बाद सबसे आखिरी घटना क्या हुई थी, कि सांप जो था वो बिल में चला गया था, तो द वाक्य में लिखा है सांप जान बचाकर भाग गया, ठीक है। तो आपको ये नंबर लिखने हैं अपनी कॉपी पर। अब हम करेंगे आओ करे दो, ठीक है, अब हम करेंगे आओ करे दो, करे दो, ठीक है। तो हम आओ करे एक कर चुके हैं, अब हम करेंगे आओ करे दो। तो आप अपनी पृष्ठ संख्या 53 पे आ जाइए, आओ करे दो। इसमें क्या करना है आपको, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए, कुछ ही शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पेड़ के कोटर में कौन रहता था, कौन रहता था पेड़ के कोटर में, तोता है ना, तोता रहता था ना, तो आप लिखेंगे तोता। आपको वाक्य में उत्तर नहीं देना है, आपको शब्द में उत्तर देना है, तोता रहता था है ना। अब दूसरे पेज पर आ जाएंगे आप और प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, मोर ने सांप को कैसे पकड़ा, मोर ने सांप को कैसे पकड़ा था, अपनी चोंच में, तो हम लिखेंगे अपनी लाइन में लिखना है, इस लाइन से नीचे लिखना है, ठीक है, इस रेखा से नीचे लिखना है, अपनी चोंच में पकड़ा, ठीक है, अपनी चोंच में पकड़ा।
तीसरा हम प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं सांप कहां घुस गया। सांप कहां घुस गया? अपने बिल में। तो आप लिखेंगे अपने बिल में, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये था आवकरे दो और आवकरे एक और आवकरे दो। और जो आवकरे तीन है ना, जिसको आपको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो ये आपका गृह कार्य है। आपका गृह कार्य है, आपको करना है आओ करे दो। करो, ठीक है बेटा, आपको आओ करे दो करना है। अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, आपको सुंदर शब्दों में काम को करना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने क्या किया था, हमने शब्द सागर पढ़ी, वर्तनी पढ़ी, ओह ऐसा क्या पढ़ा, और आवकरे एक किया, आवकरे दो किया, और आवकरे तीन आपको कैसे करना है, अपने गृह कार्य में करना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।